फिर से बंद। ओ हेलो माय क्रेजी फैमिली, और अभी हम लोग फाइनली निकल चुके हैं, और कहाँ के लिए निकले हैं वो हम बता देते हैं इस वीडियो में। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं मरीन ड्राइव, तो मरीन ड्राइव चलते हैं और वहाँ पे कुछ मतलब अभी बहुत स्पेशल चीज़ मतलब बन चुका है यार, पटना के लिए एक तोहफा बन चुका है वहाँ पे। तो आप लोग चलो और देखते हैं कि वहाँ पे कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, ऑपरेशन होने वाला है कुछ दिनों में। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे आना जो लोग जानते हो। सो यहाँ पे गाइस अभी तो हम लोग जा रहे थे जस्ट ये क्या कौन सा गोलंबर है भाई यहाँ, इनकम टैक्स गोलंबर के पास एक भैया का गाड़ी ख़राब हो गया। तो भैया हम भी उधर ही से क्रॉस कर रहे थे, तो भैया का भी सोचे कि हेल्प कर देते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं चांदनी मार्केट, वहाँ पे देखते हैं तार मिलता है तो जंप स्टार्ट करके स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो फिर लास्टली उसको ढकेल के ही ले जाना पड़ेगा। तो चलो पहले और देखते हैं क्या होता है, तार पहले ढूंढते हैं मिलता है या नहीं मिलता है वो भी बताएंगे आप लोगों को। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग तार ले चुके हैं और इसको देते हैं भाई को और चलते हैं हम लोग। चलो तो यहाँ पे तो तार मिल गया, वहाँ जाके बस एक बाइक का जुगाड़ करना है और जंप स्टार्ट करके वो गाड़ी को लेके जाना है। तो चलते हैं और क्या होता है देखते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पे जंप स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पे तो उस गाड़ी को तो स्टार्ट कर दिया गया, आई होप सो बस ये भी स्टार्ट हो जाए। सो फिर से बंद। तो यहाँ पे तो जंप स्टार्ट हो गया था, बट भैया के साथ बैटरी में कुछ ज़्यादा ही फॉल्ट है जिसके कारण दोबारा नहीं हो पाया ऑन। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सीख है कि आप लोग कभी भी मतलब कैरी करो तो मतलब जब आपको लगे कि बैटरी ख़राब है तो चेंज करवा दिया करो इंस्टेंटली, इसमें हाँ लगाना क्योंकि ये चीज़ होने से अच्छा है। अभी तो यहाँ पे सब लोग चार्जर नहीं रहते तो फिर बहुत प्रॉब्लम। सो फाइनली गाइस यहाँ से निकल चुके हैं और भैया का गाड़ी अभी टो हो रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा है कि ख़राब हो गया, और इनको छोड़ के भी जाने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यार ग्रुप के बंदे हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे ही छोड़ दो, मुसीबत में छोड़ देना। तो अभी तो चलते हैं कावासाकी और वहाँ पे भैया का क्या प्रॉब्लम है ये देखेंगे, और आई थिंक आज हम लोग नहीं जा पाएंगे मरीन ड्राइव। सो डायरेक्ट मिलते हैं आपसे अब कावासाकी में, क्योंकि आज तो मरीन ड्राइव आई थिंक हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब धूप भी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मरीन ड्राइव के ऊपर मिलेगा, और आज का वीडियो बस यही के ऊपर है कि कभी भी कोई ग्रुप में आप लोग राइड कर रहे हो तो प्लीज़ ग्रुप के किसी भी मेम्बर को अकेला मत छोड़ो, तो हम यही बोलेंगे। तो अब चलो चलते हैं कावासाकी। सो फाइनली गाइस हम लोग कावासाकी पहुँचने वाले हैं कुछ देरों में, और यार काफ़ी सच में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, और फिर मिलते हैं आप लोगों से कावासाकी में। अभी हमको लगा कि हमको मतलब बता देना चाहिए कि हम लोग अभी तक कहाँ पहुँचे हैं, तो अभी थोड़ा सा पीछे हैं कावासाकी के। सो फाइनली गाइस हम लोग कावासाकी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे भैया का गाड़ी अभी ऊपर जाएगा और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है, मतलब आया है क्या प्रॉब्लम वो देखते हैं। और यहाँ पे अपना बनाली का भी शोरूम है पटना में, ये भी पहली बार खुला था, और अभी काफ़ी सारे बाइक्स आ चुके हैं, काफ़ी सारे बाइक्स आ चुके हैं सर। सो फाइनली गाइस यहाँ पे रेव करते हैं और इसका साउंड सुनते हैं। भाई गजब का चीज़ है। तो अब निकलते हैं शोरूम से, लोग जा रहे हैं श्याम ऑटो, और श्याम ऑटो में यार कुछ एक स्पेशल हेलमेट आया हुआ है तो काफ़ी मस्त लग रहा है, पटना में आई थिंक ऐसा स्टॉक किसी के पास होगा भी नहीं अभी तक। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा हेलमेट आया है, और मिलते हैं
डायरेक्ट श्याम ऑटो। तो ये रहा आपके सामने, दोनों हेलमेट है, तो आप लोग देख सकते हो कितना, मतलब आई थिंक ये आप लोग को कहीं नहीं मिला हो, मतलब जो भी पटना से देख रहे हो वो शॉप सारे तो घूमे ही होंगे, और वहाँ पे ये हेलमेट अभी तक कोई भी शॉप में नहीं है, और श्याम ऑटो में पहली बार आ चुका है। तो ये भी 5000 के आसपास का हेलमेट है, और यार हाफ फेस में ये तो काफ़ी सही लग रहा है, मतलब कैड आ रहा है जो बोलते हैं ना वो, और इसका तो कहना नहीं, मेरा पर्सनली ये फेवरेट है, और ये हम लेने वाले थे बट किसी वजह से, किसी रीज़न से हम नहीं ले पाए, और क्या ही बताएं। और काफ़ी सारे कलेक्शंस हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये सारे हेलमेट्स हैं, मतलब काफ़ी सारे एक्सोर, एमटी, एक्सेस, टीएचएच और निको, बहुत सारे हेलमेट्स हैं यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं बेइज्जती करवा के क्या फ़ायदा। ESG का ग्लव्स है, और राइनॉक्स का भी है, फिर एक्सोर का भी है ना। एक्सोर का भी है। ओके, एक्सोर का भी ग्लव्स है, सॉरी सो ये एक्सोर का ग्लव्स है, जो मतलब आई थिंक सिमिलर प्राइस है, ये भी सारा का सिमिलर है, तो आप लोग यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो सब कुछ। सो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, आओ और यहाँ पे आओ, चेक करो यहाँ का प्रोडक्ट्स, और यार देख रहे हो आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इतना गर्मी में सारा फैन और सारा एसी कुछ सब कुछ बंद करवा के हम वीडियो बनवा रहे हैं भैया से, भैया को भी गर्मी लग रहा है, जा देख सकते हो। तो चलते हैं। सो गाइस, वहाँ से निकलने के बाद हम डायरेक्ट घर पे आ गए, और क्या ही बताएं यार, कल जो वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि उसका जो मतलब मैंने सारा कुछ वीडियो वगैरह सारा कुछ शूट कर लिया, और उसके बाद उसका फाइल जब एडिट करके मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है यार, तो ये सब छोटे मोटे चीज़ों के कारण वीडियो लेट हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत हो जाना, तो बस आप लोग का प्यार चाहिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, तो क्या ही बताएं। अब हम डेली व्लॉग्स आएगा, ये मेरा वादा है, नहीं आया तो समझ लेना कोई ना कोई इशू है, तभी नहीं आ रहा है, और चलो वहाँ पे जो सुपर बाइक दिखा ना यार, दिल को टच कर दिया, तो एक दिन आप लोग के सपोर्ट के कारण अपने पास भी आएगा, ज़रूर आएगा, इतना मेरे को उम्मीद है आप लोगों से, जो आप लोग कंप्लीट करवा दोगे, मेरे सारे एम्स कंप्लीट करवा दोगे, तो बस अब चलते हैं, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड, और मेरे को अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाओ इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे बड़े बड़े रील्स भी आते रहते हैं, बाय, चलो बाय बाय।